हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। हम बनाने जा रहे हैं मड़ुए की रोटी, मोटी सी बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये कढ़ाई ले रखा है। हम मोटे तले का बर्तन चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। हमने ये कढ़ाई लिया हुआ है, मोटे तले का है। अब हम चूल्हे को ऑन करते हैं। देखिए, ये पानी हमने ले लिया है, देख सकते हैं, एक पाव ये पानी है। देखिए, ये दूसरा ग्लास डाल रहे हैं, आधा लीटर पानी हो गया। हमने ये एक किलो मड़ुए का आटा है, हमने कुछ दूसरा नहीं मिलाया, इसको हमने साफ करके ले लिया है। अब पानी जब गर्म हो जाएगा, खोलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद इसको हम डाल के इसमें अच्छे से मिलाएंगे और ठंडा होने के बाद गूंथ के आपको दिखाएंगे। हम मड़ुए की रोटी बनाएंगे मोटी सी। देखिए, इतना हम नमक डाल देते हैं, ज्यादा नमक नहीं डालना है, जरूरत के अनुसार नमक डालिए। और उसमें हम तेल भी थोड़ा सा डाल देते हैं, घी या तेल कुछ भी आप डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं डालना है। देखिए, हमने दो चम्मच के अनुसार हमने इसमें तेल डाल दिया। अब पानी गर्म होने पे उसके बाद हम अपना आटा डालेंगे उसमें। आप देख सकते हैं पानी में कैसे उबाल आ रहा है। अब इसमें हम अपना आटा धीरे धीरे करके इसमें हम अपना आटा डाल देंगे। हम चूल्हे को बंद करते हैं, हम अपना आटा डालेंगे इसमें, नहीं तो वो अगर चूल्हा ऑन रहेगा तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। देखिए, हमने अपना सारा आटा इसमें डाल लिया। अब इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। ऐसे करते हुए इसको हमको अच्छे से मिला लेना है। दूसरा कोई चीज हमने डाला नहीं, जो हमने किया आपको सामने दिखाया है। देखिए, हमने उसको मिला लिया है। अब ये लेते हैं हम बर्तन, इसमें हम इसको निकाल के अच्छे से गूंथ लेते हैं, क्योंकि इसमें निकाल देना जल्दी ठंडा हो जाएगा। अभी बहुत गर्म है, देख सकते हैं आप। देखिए, अभी गर्म है, हाथ नहीं लगाया जा रहा है, पितरफक चल रहा है। रोजाना तरह तरह की खाना बनाना पड़ता है, पकवान तैयार करना पड़ता है। इस समय रोज दूसरी दूसरी चीजें बनानी पड़ती हैं। हाथ से इसको हम चेक कर ले रहे हैं। अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसको हम गूंथेंगे। हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। हम बनाने जा रहे हैं ननुए की सब्जी नए तरीके से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ठंडा हो गया है। इसमें हमने ये हरा धनिया काट के ले लिया। अब इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, ठंडा हो गया है हमारा आटा। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें हल्का सा इसमें पानी की जरूरत है, सो थोड़ा सा हम ये नॉर्मल पानी ले लेते हैं।
देख सकते हैं आप। से मिलाते हुए इसको हम गूंथ ले रहे हैं। देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब हम आपको इसकी रोटी बना के दिखाते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमने अपना तवा रख दिया, हमने चूल्हे को ऑन कर दिया। देखिए ऐसे हमें हाथ में आटा लगाते हुए ऐसे करते हुए हमको बनाना है, क्योंकि ये हाथ की सहायता से ही बनता है। ऐसे करते हुए हम बना लेंगे इसको। देखिए इतना ही मोटा होना चाहिए, देख सकते हैं आप। अब इसको हम तावे पे डालेंगे। ऐसे ही करते हुए हम अपना दूसरा भी बना के आपको दिखाते हैं। आटा की सहायता से हम इसको ऐसे ही करते हुए बनाएंगे। चिपकने लगता है बार बार हाथ में, इसमें हम लगा के इसको ऐसे ही बनाएंगे। देखिए हमारा दूसरा भी बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए दूसरा बनके तैयार हो गया। ऐसे ही हम सारा बना लेंगे अपना। देखिए इसको हम पलट देते हैं। घी या तेल में लगा के इसको बनाना रहता है। घी लगा के बनाने से स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसका। घी लगा के ही बनता है ये। देखिए अब इसको हम दूसरे साइड पलट देते हैं। देखिए बनके तैयार हो गया। इसको नीचे उतार लेते हैं प्लेट में हम निकाल लिए इसको। अब दूसरा वाला हम डाल देते हैं इसमें पकने के लिए। देखिए इसको हम पलट देते हैं। पलट के अब इसपे हम देखिए हम घी लगा देते हैं। देखिए एक साइड लग गया, अब दूसरे साइड भी इसको हम लगा लेते हैं। देखिए इस साइड भी हमने इसको लगा लिया। पलट देते हैं फिर से। देखिए बनके तैयार हो गया। हम चूल्हे को बंद करते हैं। इसको भी हम उतार लेते हैं। देखिए हमारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं। मड़ुए के आटे के रोटी बनके तैयार हो गई। रोटी बोलिए या पराठा बोलिए, बनके ये तैयार हो गया है। इसको हम हरा धनिया की चटनी, आंवले का अचार या चटनी, मसाले वाली जो भी मतलब ग्रेवी वाली सब्जी होती है उसके साथ हम इसको खाते हैं। स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसका। ये पितरपक्ष चल रहा है, इसके अवसर पे हमने इसको बनाया है, क्योंकि तरह तरह के खाने चेंज करके इस समय ये बनाए जाते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।